आपको बताऊंगा कि एयर हॉकी आप कैसे खेल सकते हैं अपने कैरम बोर्ड पर। उसको बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे दो पेपर्स, एक फाइन टिप मार्कर, दो स्केच पेंस, फेविकॉल, टेप और साथ ही साथ स्टेपलर। तो आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें एयर हॉकी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड पर आप ऐसे दो सर्कल्स काटेंगे जो होंगे दोनों 3 सेंटीमीटर्स के। और 3 सेंटीमीटर्स पर काटने के बाद आपको चाहिए होगी एक फेविकॉल। फेविकॉल से आपको कोई से भी एक लेना है सर्कल और उस पर फेविकॉल लगा देनी है। और इसको सूखने देना है। तो अब हमें ऐसे दो सर्कल काट लेने हैं 5 सेंटीमीटर्स के। आपको काटने के बाद इन्हें एक तरफ रख देना है। जब ये हमारा छोटा वाला सर्कल सूख जाए तब हमें एक ये वाला मार्कर लेना है फाइन टिप, और इस पर डिज़ाइन बना देनी है। आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। हमें इसे कलर करने के बाद और डिज़ाइन देने के बाद अब हमें इन दोनों सर्कल्स पे आना है, और अब हम इसे कलर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसके ऊपर पेपर को बहुत सारा फोल्ड कर हमने इस पर कलर कर दिया है, और हमने एक सर्कल पर इस तरह स्टेपल कर टेप चिपका दी है दोनों साइड। और अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये कैसे किया। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पेपर लेना है, और पेपर पर हमें इसके साथ स्टेपल कर देना है। यहाँ पर इसे स्टेपल हो जाएगा आराम से, क्योंकि हमने इसके ऊपर पेंट किया हुआ है। और हम इधर भी ऐसे ही करेंगे, हम यहाँ पर भी स्टेपल करेंगे। स्टेपल हो जाने के बाद हमें चाहिए टेप। टेप को हम पहले थोड़ा सा काटेंगे और इसके साथ स्टेपलर पर चिपका देंगे, ताकि स्टेपल हटे ना और ना गिर जाए। हमें एक ही साइड नहीं, दोनों साइड चिपकाना है टेप। और ये दूसरी साइड भी चिपक गया। अच्छे से चिपकाइए टेप को, ताकि वो फटे ना। और ये कुछ इस तरह बन गया है, ताकि आप अपने हाथ में इसको डाल सके, कुछ इस तरह। तो हम इन दोनों का काम भी हो गया है। और अब हमें चाहिए हमारा गोल गोल छोटा छोटा। हम बताएंगे कि आप कैरम बोर्ड पे से कैसे खेलेंगे। आपको पहले यहाँ पर एक सर्कल बनाना है पेंसिल से, और यहाँ पर आपको अपनी वो रख देना है, ये छोटा सर्कल, ताकि हम इसे गोल कर सकें। और ये चीज़ आपको दिख रही होगी, इसके बाद अगर आप अंदर डाल देंगे तो एक पॉइंट हो जाएगा जिसमें भी डालनी है। हम खेल के बताते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। और अब मैं वापस करूँगा, ऐसे हम खेलेंगे। और अगर किसी का गोल इस तरह चला गया तो उसका एक पॉइंट हो जाएगा।